गाइस वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज पूरे अखबारों में क्या क्या हेडलाइंस हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले और बड़ी खबर है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं का नया संशोधित कैलेंडर यानी कि जो रिवाइज्ड कैलेंडर है वो कल जारी कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो परीक्षाएँ स्टार्ट होंगी आपकी फरवरी से स्टार्ट होंगी। और जो सबसे पहले बड़ी परीक्षा है, कुल सचिव जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की खुद की परीक्षा है, 7 से लेकर 8 फरवरी के बीच में होगी। और उसके बाद अलावा जो अगली बड़ी परीक्षा है जस्ट 4 दिन बाद यानी कि लेखपाल और पटवारी का है जो कि रिवाइज्ड हुआ है। उसके बाद फिर पीसीएस है, फिर मार्च में कनिष्ठ सहायक की है, इस तरह से अप्रैल में फॉरेस्ट गार्ड की है और अप्रैल में ही आप देख सकते हैं तमाम बड़ी परीक्षाएँ। और बंदी रक्षक का फिजिकल भी अप्रैल में ही है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे साल का जो है यहाँ पर शेड्यूल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर ईडी ने भी अपनी जो शिकंजा है उसको कस लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती घोटालों में अब ईडी ने भी अपना शिकंजा कस लिया है। लगभग 7 लोगों पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगभग 20 दरोगा भी इसमें जो है अभी सस्पेंड हुए हैं रिसेंट एसआई भर्ती घोटाले में। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं एसएसपी एसटीएफ जो आयुष अग्रवाल है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि अब सारी जो विवेचना है वो ईडी तक भी पहुंचाई जा रही है। सारे डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन पर कार्रवाई हुई है उन पर जो है ईडी अपना शिकंजा कसेगी। बात करते हैं उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसे कि आपको पता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगातार अड़चनें आती जा रही हैं। इसी सिलसिले में शिक्षा मंत्री की आवाज़ पर बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो है यहाँ पर धरना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के लगभग 2,648 पदों पर लगभग 3 साल से भर्तियाँ अटकी हुई हैं। इसी सिलसिले में बेरोजगारों ने जो है शिक्षा मंत्री जो कि डॉक्टर धन सिंह रावत हैं उनके आवास में दोपहर 1:30 बजे से वार्ता के लिए कहा था, लेकिन वार्ता नहीं होने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने नाराज़गी जताई और लगातार वहाँ पर जो है अपना धरना प्रदर्शन जी। हालांकि ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है एनआईएस वर्सेस डीएलएड और उसके अलावा बीएड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, बात करते हैं पेपर लीक मामले में। तो आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में एक रिटायर्ड शिक्षक की भी यहां पर गिरफ्तारी हो गई है। कल जैसे कि जो खबर आई थी हमने आप तक पहुँचाई थी, और जिस हिसाब से आप देख सकते हैं ये शिक्षक जो है पिछले साल ही जो है रिटायर हुए थे। आपने एक चीज़ हमेशा नोट की होगी, जब से बीपीडीओ का पेपर लीक हुआ तमाम ऐसे लोग यहाँ पर गिरफ्तार आ रहे हैं, या तो जो ऑलरेडी सरकारी एम्प्लॉय हैं या फिर ऑलरेडी वो एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सिस्टम में अंदर तक अभी भी उत्तराखंड में खराबी है। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं बेरोजगार अभ्यर्थियों ने जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर यहाँ पर धरना दिया। और उसके अलावा AEG भर्तियों की जांच यहां पर फिर से तैयारी हो गई। तो आप देख सकते हैं AE और JEE भर्तियों की जांच की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं अफसरों पर केस लायक सबूत नहीं जुटा पा रही है विजिलेंस। तो आप देख सकते हैं तमाम तरह की ऐसी कमियां हैं जो पूरे उत्तराखंड में लगातार चली आ रही हैं। इसी में आप देख सकते हैं ओएमआर सीट जलाने पर 3 और के खिलाफ यहाँ पर जल्द ही कार्रवाई होगी। हालाँकि ये मामला जो है आपका एसआई भर्ती 2015 से है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट न होने के कारण अब केस थोड़ा सा ढीला पड़ता नज़र आ रहा है। तो ये रही आज की खबरें जो लगातार अखबारों में छाई रहीं, और कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।